बहुत बहुत शुक्रिया सबको, आपको वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कैंपेन के लिए आपका कीमती वक्त निकाल के आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत जो अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए गए थे, आपको बताना चाहता हूँ ये विजन जो है हमारा साफ़ सफाई का वो चलता ही रहना चाहिए जिस तरीके से। पर आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जो एक्सपेंसेस खर्चा की है स्वच्छ भारत कैंपेन के ऊपर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल को जो गार्बेज दिया गया है, जिस तरीके से वो गार्बेज को एक यूटिलाइजेशन करते हैं, पर आम जनता जो स्ट्रीट्स पे वॉक करती है, जो आना जाना होता है, उनके लिए कोई सिस्टम ये बनाया नहीं गया है कि उनसे भी जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट कहाँ डालेंगे, तो वो रोड पे ही फेंका जाता है। तो उससे हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी जो समाज है, वो अनटाइटी दिखती है, वो साफ़ सफाई उस तरीके से दिखती नहीं है। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कोई बड़े पॉलिटिकल ने या बहुत जो अभियान शुरू किए गए वो सोच नहीं पाए कि असल साफ़ सफाई जो है वो स्ट्रीट्स की है, लोग आना जाना रोड से करते हैं तो वो दिखने में बहुत ख़राब दिखता है। तो हमारा ये जो टीम्स हमारी जो बैठी है, हमने बहुत सारे सोचे और बहुत कॉन्सेप्ट में पहले से काम करे थे किस तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे। हम एक छोटे लेवल पे हम एक हमारी सत्याग्रह सामाजिक विकास सेवा संस्था के थ्रू हम ये अभियान को शुरू किए गए, तो हम एक छोटे लेवल से चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को बताएं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, हम बताना चाहते हैं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएं, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी साथ दे और इस अभियान को पूरे इंडिया में अप्लाई करें। और हम चाहते हैं कि हमारी जो देश है वो बहुत साफ सफाई और एक बहुत नीट एंड क्लीन टाइडी दिखे। तो मैं इस आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। और इसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ और एनजीओज़ का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, इसमें आम जनता का भी सपोर्ट चाहिए। हम हर टाइम ये बात कहते रहते हैं सोशल मीडिया पे और हर चीज़ों में कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं लोग पे ही हम डिपेंड हो जाते हैं, ये बहुत गलत सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम जनता जो है वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ठीक है, ये देश हमारा है, हमसे ही चलेगा, हम ही वोट दे के उनको लाते हैं और हम सारा जो जिम्मेदारी है उनको सौंप देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि ये अभियान को आप समझें। साफ़ सफाई में जिस तरह हम हमारा घर साफ़ सफाई करते हैं, अपने आप को साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरह जो हमारा समाज है, जो हमारी चीज़ें, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करें और हमारा साथ दे, हमारे एनजीओ का साथ दे। और हमारी टीम इसी तरह आज ये जो दिन है 5 मई 2023, हमने ये इनॉग्रेशन किया है और इसका शुरुआत किया है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे एंड से हम जितना हो सके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद पब्लिक और हमारे जो गवर्नमेंट है उनका हमको सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। राय है, जैसे कि तबरेज़ जी ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए, बिकॉज नई यूथ जो है वो यही फिलॉसफी पे चल रही है कि कचरा जो है रोड पे फेंकते हैं, ठीक है, जो नई यूथ भी वही फॉलो कर रही है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया है जहाँ पे हम जो डस्टबिन है उसको इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन के साथ उनके सामने प्रेजेंट करें कि न्यू यूथ जो है वो जाके उसमें डस्टबिन में कचरा डाले। एंड हम कोशिश यही करेंगे कि हर एक किलोमीटर या जोन में उनको ये डस्टबिन मिले, सो दैट उनको ज़्यादा दूर ट्रैवल करना ना पड़े, इससे कि हमारा जो स्ट्रीट है वो साफ़ रहेगा, सोसाइटीज़ क्लीन रहेगी, कमर्शियल एरियाज क्लीन रहेंगे, रेजिडेंशियल एरियाज क्लीन रहेंगे। एंड डू यू वांट टू से निलोफर सैयद है। एक्चुअली हम एज अ टीम हम ये बैठ के जस्ट हमेशा डिस्कस ही करते थे कि हमको कुछ तो करना चाहिए फॉर आर रेसिडेंट, कहीं से ना कहीं से किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए। बीइंग अ यूथ जनरेशन तो हमने ये प्लान किया क्यों हम ही क्यों ना आगे आए और हम हमारे साथ में हमारे और लोगों को जोड़े।
एंड मेजर हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सी कचरा डस्टबिन में जाता है, अग्री ये तो होता है, बट जो स्ट्रीट पे जाता है जी, डस्टबिन वाला कचरा तो रिसाइकल होता है, बट जो स्ट्रीट पे जाता है वो रिसाइकलिंग में यूजेज नहीं आ रहा है, वो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। तो ये एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल रिसाइकल होके तरह तरह की चीज़ें हमारे लिए ही, लोकलाइट्स के लिए ही यूज होता है। तो मेजरली यही एक मेजर हमारा कॉन्सेप्ट है करके, जो स्ट्रीट में भी जो कचरा है, जो ट्रैवलर है, जो हॉकर्स पैडलर्स, जो भी वॉकेबल पीपल है, तो वो भी इस चीज़ का यूटिलाइज करें, सो दैट हमें भी वो जो वेस्ट गार्बेज है वो हमें और एक अच्छी तादाद में प्रोवाइड हो, और जो भी यूटिलाइजेशन उसका गवर्नमेंट हमारी करती है, जैसे कि सिलेंडर्स है एंड मेजर चीज़ें हैं, तरह तरह की चीज़ें बनती है, उसके लिए और एक्सपेडाइट हो चीज़ें और ज़्यादा एक मेजर क्वांटिटी में हमें मिले, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, उतना ही कल्चर वाइज हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली हमारा काफ़ी टाइम से यही कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशन चलता रहा है कि हम इस अभियान के इसके अंदर हमारे इनपुट्स किस तरीके से डालें, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया है, हम लोगों ने देखा भी है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनपुट अपना डालते हैं, बट वो अभियान जो होता है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने तब्रेज़ जी से डिस्कस किया कि हम यूथ को लेके, ना कि हम बड़े बड़े लीडर्स के पास जाके, बट हम यूथ को लेके इस चीज़ को कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम सबको दिखा सके कि हम एज अ यूथ, वी एज अ यूथ व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। और हमारे लिए वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ यूथ चीज़ों को कैसे आगे लेके जाए, ताकि जितना हम करेंगे, हमारी यूथ जितना करेगी उतना ही लोगों को समझ आएगा कि यूथ किस तरीके से काम कर सकती है। यूथ भी कुछ कम नहीं है, आज की हमारी यूथ ऐसी है कि कहीं पर हम खड़े हो जाए तो किसी भी चीज़ के वहाँ पर हम बैरिकेड्स लगा सकते हैं, हम रोक सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमारी यूथ काफ़ी स्ट्रांग है, वही चीज़ को हमें दिखाना है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी यूथ जुड़ी है, मालवनी की यूथ हमारे साथ में जुड़ी है इस अभियान में, वैसे ही आप लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालें, जितना हो सकेगा उतना हमारे से आपको जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार है। आप लोग आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डालें, हमारे तरफ से आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से अभियान में या हमारी संस्था के अंदर आपको अगर ज्वाइन करना है, हम आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से करेंगे, बस आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे को दें। शुक्रिया। Thank you.